आपको दूर से ही आवाज दिया ना, उधर कचरा मत डालो। आपको आवाज दिया था ना, आप लोग एक कचरा डालते उधर, फिर वो कचरा देख के बाकी के सब लोग भी उधर ही कचरा डालते, फिर उधर कचरा डाल डाल के उधर कचरे का घर बन जाता है। अरे आप लोग जो कचरा करते हो ना रस्ते पे, वो कचरे के वजह से पानी जमता है, नाला खराब होता है, तो नाले में हम लोग को उतरना पड़ता है, आप लोग को नहीं उतरना पड़ता है। मतलब आप लोग गलती करो और सजा हमें मिले। अरे क्यों, गटर में काम करने के बाद दोपहर में जब खाना आता है ना हम लोग के सामने, वो खाना भी हम लोग को नहीं जाता। बाद में हम लोग जब घर पे जाते हैं ना, हम लोग की बदन से सारी बदबू मारती गंदी। ये सब कुछ नहीं हो सकता अगर आप लोग कचरा ना करे तो। हम लोग को भी छोटे छोटे बच्चे, कभी हम लोग को कुछ हो गया तो उन लोगों को कौन देखेगा? कभी सोचा है? कोई भी एरिया का कचरा हम लोग साफ करते ना, साफ करने के बाद थोड़े आधे एक घंटे के बाद आएंगे ना, फिर भी कचरा दिखता। अपने घर में कभी खाके कचरा फेंकोगे क्या? आप लोग ना ये कचरा बनाना अगर बंद करोगे ना तो कचरा बनेगा ही नहीं, और ये हमारा देश भी साफ हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो कचरा है ना, पहले वो साफ करना पड़ेगा। कचरे के डस्टबिन से बदबू आती है आपको, हम लोग को बदबू नहीं आती है। हम लोग के नाक को है ना फिल्टर लगाया है स्मेल का, कितनी भी गंदी बदबू रहेगी ना, हम लोग को अच्छी बदबू आती है ना। आप लोगों को हमेशा बताया गया है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालने का, फिर भी आप गीले की जगह सूखा डालते हो और सूखे की जगह गीला डालते हो। खाली फुकट आप लोग गंदगी करते हो और फिर गंदगी होने के बाद बोलते हो कोई ध्यान ही नहीं देता है आप पर। अरे पहले आप ध्यान देते हो क्या? आप लोग हमें क्या बोलते हो? कचरे वाला। हम लोग कचरे वाले, मतलब कचरा करते हो तुम, हम लोग कचरा उठाने आते हैं, हम लोग कचरे वाले, हम लोग साफ सफाई वाले, कचरे वाले आप लोग हो। ये अगर डब्बा खोला ना, इतनी गंदी बदबू मारेगी ना, तू खड़ा भी नहीं रहेगा सामने। खोल के दिखाओ, तेरे को खोल के दिखा दो, रुक खोल के दिखा दो, रुक ना रुक, अरे रुक खोल के दिखाता हूं। कचरा करते